थोड़ी वार में जो दिल्ली में भाजपनी एक दिवसीय कारोबारी बैठक शुरू थशे। राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डानी आगेवानी में आ बैठक मळशे। पांच राज्यों की विधानसभा चूंटणी ने लईने चर्चा करवामां आवशे। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी आ बैठक में शामिल थशे। गुजरात में सीआर पाटिल, संगठन मंत्री रत्नाकर, पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डेप्यूटी सीएम नीतिन पटेल वर्च्युअली माध्यम से बैठक में हाजरी आपशे। तो पांच राज्यों की चूंटणी ने लईने दिल्ली में आज थी मंथन शुरू थई रह्यु छे। सीआर पाटिल, विजय रूपाणी, नीतिन पटेल पण तेओ शामिल थशे। बैठक में वर्च्युअली माध्यम थी तेओ शामिल थशे। जेपी नड्डा की आगेवानी में आ बैठक नु आयोजन करवामां आव्यु छे। तो मुख्यमंत्री प्रदेश प्रमुख गांधीनगर थी तेओ जोड़ाशे। दिल्ली में भाजपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छे। भाजपना नेता कमलम थी जोड़ाशे, वर्चुअल माध्यम थी तेओ जोड़ाशे। मुख्यमंत्री प्रदेश प्रमुख वर्चुअल माध्यम थी आ मीटिंग में जोड़ाशे। पांच राज्यों की विधानसभा की जो चूंटणी आ रही है तेने लईने अत्यारथी ज हवे तैयारी शुरू कर देवामां आवी छे। दिवाळी पछी तहेवार बाद हवे आ पहली मोटी एवी मीटिंग मळी रही छे अने त्यारथी ज भाजप चूंटणीना कार्यमां लागी जशे। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी विनीत, बताएं कि दिवाली बाद ये पहली बड़ी मीटिंग हो रही है बीजेपी की, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पांच राज्यों के जो चुनाव हैं, राजनीतिक प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाता है कि हालांकि जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है, वो यहाँ पर आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और अब से थोड़ी देर पहले जब ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। साफ तौर पर जो बैठक की शुरुआत होगी वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभिभाषण से होगी और इसका समापन जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, जिसमें उनके जो भाषण का होगा मुख्य फोकस होगा वो पांच राज्यों का चुनाव होगा कि आखिरकार पांच राज्यों में जिसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कैसे जीत हासिल की जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में भी चर्चा होगा। मुख्य तौर पर कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया, राज्यों के साथ मिलकर के काम किया, इसकी चर्चा होगी। चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो, क्योंकि भारत ने दो स्वदेशी वैक्सीन में सीमित संसाधनों के बावजूद बनाया, इसके साथ ही साथ 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन में दिलवा दिया गया, क्योंकि भारत के में अगर संसाधनों के बारे में बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जब पीपीपी किट नहीं बनता था, लेकिन ऐसे में भारत जो ने पहले वैक्सीन बनाया और अब 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन में जो है वो करवाया जा चुका है, तो इन उपलब्धियों की चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से जन कल्याण योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा होगी और साफ तौर पर यह नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि वे अधिक से अधिक सरकार के कामकाजों के बारे में जनता तक ले जाएं, जनता को जो मोदी सरकार के फायदे हैं उसे दिलाएं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल पर जिस तरह से हमने देखा कि केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दी, बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम वैट को कम कर दिया, कांग्रेस शासित राज्य जो है वो वैट में कमी नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के भी कुछ न कुछ संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो साफ तौर पर अगर मुख्य तौर पर मुद्दों के बारे में बात करें तो पांच राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी, कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार ने कामकाज किया उसकी चर्चा होगी, साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई में कमी लाने के लिए पेट्रोल में एक्साइज की कमी की गई, साथ ही साथ जो एडिबल ऑयल है उसमें भी टैक्स की कमी की गई, तो इन मुद्दों पर ही यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा। जी विनीत, इसके साथ ये भी क्योंकि कुछ जो पूर्व सीएम हैं वो भी शामिल हो रहे हैं इस मीटिंग में, गुजरात से भी वर्चुअली वहां पे जुड़ेंगे, जैसे गुजरात के सीएम है, प्रदेश प्रमुख है, ये भी यहां से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, इस बारे में कुछ जानकारी?
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्चुअली जोड़ने का जो कार्यक्रम किया गया है, साफ तौर पर यह संदेश में दे दी गई है, क्योंकि कोरोना का काल जो है वो खत्म नहीं हुआ है, कोरोना प्रोटोकॉल को जो है वो पालन किया जाएगा। इसी को लेकर के यहाँ पे चाहिए बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। जैसा कि हम लगातार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते रहे, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी लगातार यह बात करते रहे कि कोरोना की जो दस्तक है या कोरोना का जो भी समय है वो भले ही अभी कम हो गया है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है, और वो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की बात करते हैं, जिसमें वो मास्क लगाने की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात करते हैं, या फिर अन्य जो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात है पीएम नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। उसी को पालन करते हुए, उसी को देखते हुए इस बार जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी हमने देखा कि कई मंत्रियों को, जैसे कि मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को वहीं पर रहने की सलाह दी गई है। इसी के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वहीं से जुड़ेंगे। जी, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री यहीं से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। एजेंडे की अगर बात करें इस कार्यकारिणी बैठक की, तो विनीत, माना जाए कि बीजेपी अब इलेक्शन मोड में आ चुके हैं पूरी तरह से? आज निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पांच राज्यों का चुनाव है उसको लेकर के शंखनाद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपना भाषण देगी, तो निश्चित तौर पर उनका जो भाषण होगा या फिर जो उनका नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश होगा वो चुनावी संदेश में वो होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का शामली में कार्यक्रम था इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश है के मुख्यमंत्री है उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर 2024 में बीजेपी को फिर से केंद्र में सरकार बनानी है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रिपीट करना होगा। इसी को लेकर के यहाँ पर मैं पूरी जो कवायद की जा रही है, पूरी जो मशक्कत की जा रही है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के भी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा की 80 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पांच राज्यों के चुनाव है उसकी जो चुनावी शंख है, उसकी जो चुनावी बिगुल है वो यहाँ पर फूंक दी जाएगी। जी विनीत, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता हुआ दिखता है, लेकिन गुजरात को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो पीएम का होम टाउन है और 3 दिन का दौरा करके अमित शाह भी यहां से गए हैं, तो गुजरात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। गुजरात को लेकर क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, उसको देखते हुए? और कुछ टाइम पहले ही सीएम भी बदले गए हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदला गया है, तो नया पूरा एक खाका तैयार किया गया है इसको लेकर, और जिस पर विश्वास भी बीजेपी को है, पीएम को है, अमित शाह को है। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में भी जो चुनाव होने हैं वो 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन 2022 के अंत में चुनाव होने हैं। गुजरात जो है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे गुजरात मॉडल की बात को लेकर के प्रधानमंत्री बने थे, जिस तरह का कामकाज उन्होंने गुजरात में किया था, ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात में बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराए, बीजेपी वहां पर जो अपनी सत्ता है वो बचा रखे, क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात में तो काफी लंबे समय से बीजेपी में क्या जो जीत है, बीजेपी लगातार जीत रही है, किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए इसकी भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो हालांकि कोई विशेष संदेश जो है वो राज्यवार सिर्फ चुनावी राज्यों में दिया जाएगा, जिनका 2022 के शुरुआत में चुनाव होने हैं पांच राज्यों में दिया जाएगा, लेकिन जो एक आम संदेश किस तरह से बीजेपी में शासित राज्य और केंद्र सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है, चाहे वो कोरोना काल के दौरान में बेहतर काम कर रही है, अगर हम देखें कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से पूरे देश में काम हुआ, गुजरात में किस तरह से सरकार ने काम किया, इसकी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा होगी कि अगर पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई तो
उसके साथ ही साथ राज्यों सरकारों द्वारा, बीजेपी शासित सरकारों द्वारा भी वैट में कमी की गई। गुजरात में भी हमने देखा कि वहां भी पेट्रोल और डीजल में वैट में कमी की गई। तो निश्चित तौर पर सरकार के जो कामकाज है उसे आखिरी आदमी तक किस तरह से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के यहां पर चर्चा होगी। गुजरात में भी चर्चा होगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात मॉडल की बात करते रहते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे जिस तरह से उन्होंने, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो संदेश जो है जो पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए दिया जाएगा, गुजरात के लिए भी दिया जाएगा, साफ तौर पर गुजरात के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2022 के अंत में गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी, आखिरी सवाल विनीत, एक बड़ा अगर एजेंडे की बात करें, एजेंडे की बात आपने कर ली है, लेकिन बड़ा संदेश पीएम की ओर से क्या कुछ दिया जा सकता है? क्योंकि हर बार हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, जैसे कि कल ही चुनाव हो उस तरह से वो तैयारी में रहती है। क्या कुछ बड़ा संदेश यहां से पीएम की ओर से दिया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो गुजरात कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे कि पेट्रोल डीजल में इसलिए दाम में कटौती की गई है या फिर कम किए गए हैं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से ये लगाया गया था। आज निश्चित तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में बात करें, तो बीजेपी हमेशा चुनावी मॉडल पर रहती है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्टाइल को देखें तो वो छोटे से छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं। और अगर हम देखें, बीजेपी हमेशा चुनाव जो है वो जीतने के लिए लड़ती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी हालांकि बंगाल में जीत नहीं पाई, लेकिन जिस तरह का एक्शन मोड, 2 सीट में विधानसभा की थी और जितनी सीटें बीजेपी ने हासिल की, तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जेपी नड्डा के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें या फिर अमित शाह के बारे में बात करें, उनके विजन के कारण ही यह संभव हो सका। इसके साथ ही साथ अगर हम संदेश लेने के बारे में बजाएं, तो साफ तौर पर यह संदेश बीजेपी देने की कोशिश करेगी कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में बेहतर कामकाज हो रहा है। हालांकि महंगाई बढ़ोतरी के बारे में बात लगातार जो है वो जो विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगाती रही हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर के आरोप लगाती रही हैं, तो यहां पर साफ तौर पर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल में कीमतों में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बल्कि राज्यों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि वैट में जो कटौती है वो राज्य सरकार नहीं कर रही है, इसी कारण में जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर महंगाई बढ़ी हुई है या फिर वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है। इसके साथ ही साथ एक और बात यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमेशा बीजेपी में लगातार कहती रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग विपक्षी पार्टियां हमेशा करती रही है, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उस वक्त वो इस मांग पर नहीं आते हैं, उस पर वो सहमति नहीं व्यक्त करते हैं। साफ तौर पर बीजेपी यह संदेश भी देना चाहेगी कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती की तो मांग लोग करते हैं, लेकिन जब कटौती करने की बात आता है तब राज्य सरकार इससे मुकर जाती है। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है वो अपने वैट में कटौती नहीं कर रहे हैं। जी विनीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में ભાજપની કાર્યકારિણીની બેઠક છે, પૂર્વ સીએમ પણ તેમાં સામેલ થયા છે, યોગી આદિત્યનાથ તેઓ દિલ્હી પહોંચ્યા છે અને ગુજરાતના જે નેતાઓ છે તે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાશે। વાત બનાસકાંઠાની કરીએ તો અલ્પેશ ઠાકોર શરૂ કરશે પદયાત્રા, અલ્પેશ યોજશે આત્મદર્શન પદયાત્રા। આજે અલ્પેશ ઠાકોરનો જન્મદિવસ છે, દિયોદરના 19 થી યાત્રાનો પ્રારંભ કરશે, ઓગળથળીથી યાત્રાનો પ્રારંભ કરશે અને ભગવાન ઓગળનાથ ધામથી ટોટાળા સુધી યાત્રા કરશે। સંત શ્રી સદારામ બાપા ટોટાણા સુધી 30 કિલોમીટરની યાત્રા યોજશે, તો ટોટાણામાં સભા પણ સંબોધશે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું, નાનકડા બ્રેક બાદ।